Nothing ने Air 2 का ब्लैक कलर लॉन्च कर दिया है। अभी 3 महीने पहले ही Nothing Air 2 लॉन्च हुआ था सिर्फ व्हाइट कलर के साथ में, आज उनका ब्रांड न्यू ब्लैक कलर भी लॉन्च कर दिया गया है। इस बार एक नया फीचर भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको एडवांस इक्वलाइजर बोला जाता है, जिसकी मदद से आप कस्टमाइज ऑडियो एक्सपीरियंस ले सकते हो, मतलब कि ऑडियो को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल बना सकते हो फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। इस फीचर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले करते हैं ब्रांड न्यू Nothing Air 2 ब्लैक के बॉक्सिंग। तो बॉक्स कुछ ऐसा मिल जाता है ब्लैक कलर के साथ में, सामने ही प्रोडक्ट की इमेज दिख जाएगी और बैक साइड में इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही मिनिमल सा बॉक्स है, प्रीमियम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एप्पल के बाद में Nothing के साथ में ही मिलता है। तो सिंपली इस रेड वाली लाइन को खींचना है और बॉक्स पूरा ओपन हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं, तो QR कोड मिल जाएगा जहां से Nothing X ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो और इसमें एक यूजर मैनुअल मिल जाती है। इसके अलावा वारंटी और सेफ्टी गाइड मिल जाएगी जिसे रीड भी कर सकते हो। यहां पर रखा हुआ मिल जाता है Nothing Air 2 ब्रांड न्यू, इसको भी रखते हैं साइड में। इसमें 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। मीडियम वाली ऑलरेडी बड्स में लगी हुई है और एक टाइप सी टू टाइप सी की प्रीमियम ब्रेडेड केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए। फाइनली ये रहा मेन प्रोडक्ट Nothing Air 2 ब्रांड न्यू ब्लैक कलर के साथ में। अब जो केस है ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ में मिलता है, डिजाइन के अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया है। इस पर स्मोकी फिनिश और मेटल ब्लैक कलर यूज किया गया है, तो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है इसका केस ऐसे दिखने में। और यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, उसी के बगल में एक रिसेट की मिल जाती है और बैक साइड में ऐसे ब्लैक टाइप का कुछ प्लास्टिक एरिया दिया गया है जो काफी अच्छी ग्रिपिंग भी देता है टेबल पर। इवन ये वायरलेस चार्जिंग में भी काम करेगा। लिड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बड्स रखे हुए मिल जाते हैं और एक इंडिकेशन लाइट भी मिल जाती है जो स्टेटस बताती रहती है। बड्स को निकालेंगे तो आप एक बात नोटिस करो, बड्स में एक रेड मार्किंग है एक में और दूसरे में व्हाइट मार्किंग है और सेम मार्किंग आपको केस में भी मिल जाती है जिससे आपको पता रहे कि किस बर्ड्स को किधर रखना है। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग Nothing की काफी बढ़िया लगती हैं। और इन बर्ड्स को देखोगे तो ये भी ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ में ही आते हैं। यहाँ पर Nothing Air 2 लिखा हुआ है और इसमें स्टिंग डिजाइन है, तो ईयर्स के अंदर में फिटिंग काफी अच्छी मिल जाती है और ये सिर्फ 4.6 ग्राम्स के हैं, तो अल्ट्रा लाइट वेट आप बोल सकते हो। मैंने इनको 4-5 घंटे से कंटिन्यूसली लगा के रखा, पता ही नहीं चला कि मैंने कोई ईयरबड्स डाला हुआ, तो काफी हल्के हैं और काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ में आते हैं। और इस पर जो नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया उसको एडवांस इक्वलाइजर बोलते हैं। तो सिंपली अपर 8 बैंड इक्वलाइजर मिल जाता है जो फुल क्यू फैक्टर और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के साथ में आता है। तो हर बैंड को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना रखना है या फिर उसका क्यू फैक्टर कितना रखना है, हर बैंड का आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो। अब ये एडवांस इक्वलाइजर है और ग्राफिक विजुलाइजर इंटरफेस है, तो इजी टू यूज है और आपको रियल टाइम विजुअल प्रीव्यू चेंजेस भी यहां पर देखने को मिलेगा। इस फीचर का यूज करके आप एक छोटी सी छोटी डिटेलिंग ऑडियो के अंदर में चेंज कर सकते हो। इस नए फीचर की मदद से जो एडवांस इक्वलाइजर की आपकी प्रोफाइल बनी है इसे आप किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, इवन डाउनलोड भी कर सकते हो किसी दूसरे की प्रोफाइल जस्ट सिंपलिंग स्कैनिंग QR कोड, और मल्टीपल प्रोफाइल्स को आप सेव करके रख सकते हो। क्विकली Nothing Air 2 के फीचर्स को देख लें तो IP54 की रेटिंग बर्ड्स को मिली है और IP55 की रेटिंग केस को मिली हुई है। इसका मतलब ये वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट होने वाले हैं। इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है, तो गूगल फास्ट पेयरिंग मिल जाती है और माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयर मिल जाता है। तो अगर विंडोज का कोई डिवाइस है तो उसके साथ में कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट और स्टेबल होगी। इसके अलावा ड्यूल डिवाइस पेयरिंग है जो बहुत ही एडवांस लेवल पे काम करता है, इसके बारे में हम आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे। और इसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 भी मिल जाता है। Nothing Air 2 का जो साउंड एक्सपीरियंस है ये ट्रूली ऑथेंटिक एक्सपीरियंस आपको दिलाएगा, क्योंकि इसमें 11.6 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं और ये मल्टीपल कोडेक्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि AAC, SBC, LHDC 5.0 कोडेक्स, और ये हाईरेस ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। तो यहाँ पर जो साउंड आपको मिलेगा वो भाई काफी क्रिस्प एंड क्लियर मिलने वाला है और मल्टीपल जो कोडेक्स हैं ये इसके ऑडियो को इम्प्रूव करते हैं। और जो हाईरेस ऑडियो सर्टिफिकेशन है, अगर आप एप्पल म्यूजिक सुनते हो तो वहां पर इस फीचर का आपको सबसे ज्यादा यूज केस पता चलेगा, जो ऑडियो एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इनहेंस करेगा। और आप साउंड को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो इनके सिंपल और एडवांस इक्वलाइजर का यूज करके, अपने अकॉर्डिंग कैसा आपको साउंड चाहिए वो सब कुछ आप ट्यून कर सकते हो। तो जो साउंड क्वालिटी है Nothing Air 2 का वो आपको काफी ज्यादा अमेजिंग मिलने वाली है। और इसका जो ANC है अप टू 40 dB तक की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप अपने घर में बैठे और एक फैन चल रहा है हाई स्पीड पर ANC ऑन करोगे तो आपको फैन की नॉइस बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, जो भी आप ऑडियो सुन रहे हो सारा फोकस आपको उस पे होने वाला है। और इसमें जो है आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला तो आप ऑफ कर सकते हो, एक ट्रांसपेरेंसी है और तीसरा नॉइस कैंसिलेशन। इसके अंदर में भी 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक है अडेप्टिव, उसके बाद में लो, मिड और हाई।
तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा पर्सनलाइज ANC भी मिल जाता है, तो यहाँ पर ये आपके ईयर का एक टेस्ट लेता है, उसके अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज ANC बना के दे देता है जो आपके ईयर्स के अकॉर्डिंग काफी फिट होता है। तो काफी सारे ऑप्शन ANC के अंदर में मिल जाते हैं। इवन अगर आप आउटडोर हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और आप हाई वाला यहाँ पे सिलेक्ट करके ANC यूज करते हो, म्यूजिक सुनते हो, तो जो भी बैकग्राउंड नॉइसेस होंगी वो आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देंगी। नथिंग एयर 2 टच कंट्रोल के साथ नहीं आता है, इसमें प्रेस कंट्रोल मिलता है, तो सिंपली आप यहाँ पे पिंच कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एक बार पिंच करोगे तो आपका जो सॉन्ग है वो प्ले पॉज हो जाएगा, डबल पिंच करने पे नेक्स्ट या फिर प्रीवियस सॉन्ग हो जाएगा। इवन आप कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो सिंगल पिंच पे। और इवन जो नथिंग एक्स ऐप है वहां पर आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जैसे डबल पिंच, ट्रिपल पिंच, पिंच एंड होल्ड और डबल पिंच एंड होल्ड। तो यहाँ पर आप अपनी कमांड सेट कर सकते हो कि आपको डबल पिंच पे कौन सा फीचर इनेबल करना है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करनी है, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है, वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है। तो आप सिंपली इसका ऐप यूज करके फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो इस प्रेस कंट्रोल को। नथिंग एयर 2 का जो ऐप है नथिंग एक्स, भाई इसमें काफी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जैसे कि होम स्क्रीन पर बैटरी परसेंटेज, बर्ड्स का और केस का देखने को मिल जाता है। यहीं पर इक्वलाइजर मिल जाएगा जहां पर सिंपल और एडवांस मिल जाता है। कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहां पर आप प्रेस कंट्रोल अपने हिसाब से कर सकते हो, और नॉइस कंट्रोल का भी ऑप्शन यहीं पर मिल जाता है। सेटिंग में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले इन ईयर डिटेक्शन आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, पर्सनलाइज ANC को ऑन ऑफ कर सकते हो, लो लैग मोड गेमिंग करते हो तो इसको इनेबल कर सकते हो। फिर इसमें पर्सनल साउंड प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, तो बेसिकली ये आपकी एक साउंड प्रोफाइल बनाएगा, ये साउंड सुनाएगा, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सा तो ये टाइम जरूर लेता है, जब ये एक बार आपकी प्रोफाइल रेडी कर देगा, आप जब डिफॉल्ट वाला सुनोगे और जो ये आपको रिकमेंड कर रहा है इस पे सुनोगे, आपको डिफरेंस नोटिस होगा जब भी आप कोई साउंड सुनोगे। तो ये जो खुद से एक प्रोफाइल बनाता है वो बहुत ही आपके काम आने वाली है। ड्यूल कनेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर दिख जाएंगे कौन से डिवाइसेस के साथ में ये ईयरबड्स कनेक्टेड हैं। ईयर टिप फिट टेस्ट यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा फाइंड माई ईयरबड्स पे करोगे तो ये लाउडली ईयरबड्स में एक साउंड प्ले होता है, और यहाँ से आप फर्मवेयर अपडेट वगैरह कर सकते हो। तो इसके ऐप में काफी सारे ऑप्शन और कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं। और नथिंग एयर 2 में मिलते हैं 3 माइक्रोफोन्स जो AI नॉइस रिडक्शन एल्गोरिदम के साथ में आते हैं, तो बैकग्राउंड नॉइस को ये फुल्ली रिड्यूस कर देंगे जब आप कॉल पे बात करोगे। सो इसमें जो बैटरी यूज की गई है 33 mAh की बैटरी बड्स के अंदर में मिल जाती है, और 485 mAh की बैटरी केस के अंदर में यूज की गई है। और यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है ANC को ऑफ करके 6 आवर का बैटरी लाइफ केस का मिलता है और 6.5 आवर का बैटरी लाइफ बड्स का मिलता है। इवन ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो 10 मिनट चार्ज करने पर 8 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। और ये जो केस है वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो QI सर्टिफिकेशन इसको मिला है, तो किसी भी वायरलेस चार्जर पे आप इसको रख के भी चार्ज कर सकते हो। अब इसका जो ड्यूल डिवाइस पेयरिंग है भाई, वो तो काफी नेक्स्ट लेवल काम करता है। मतलब एप्पल एयरपॉड्स के बाद में इतना सीमलेस कनेक्शन मैंने नथिंग एयर 2 में ही देखा है। तो अगर आपके पास दो डिवाइस है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक फोन है और एक लैपटॉप है, मैंने दोनों डिवाइसेस में इसको कनेक्ट किया है। अब जैसे कि लैपटॉप में मैंने अपने कोई वीडियो प्ले किया है और कोई फोन आता है, तो सिंपली मैं एयर 2 से रिसीव करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो वीडियो है वो पॉज हो जाएगा लैपटॉप में और ये फोन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर फोन पे कोई मैं वीडियो प्ले किया हूं और लैपटॉप पे जाके कोई दूसरा वीडियो प्ले करता हूं, तो ऑटोमेटिकली फोन का जो वीडियो वो पॉज कर देता है। तो इसका जो ड्यूल डिवाइस पेयरिंग है, जो कनेक्शन है भाई, वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। सो नथिंग एयर 2 ब्लैक कलर की लेटेस्ट प्राइस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसकी प्राइस देख सकते हो। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन क्वेरी रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।